हेलो दोस्तों, गायत्री की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा मेरी बर्फ़ी का टेक्सचर कितना बढ़िया, कितना खस्ता और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल दानेदार हमारी बर्फ़ी बनी है। और सच में दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब तक की जो हमने दो रोस्टेड चने वाली बर्फ़ी डाली है, उससे कहीं ज़्यादा इसका स्वाद, बिल्कुल ना इसका स्वाद ना बिल्कुल मावे जैसा लगता है। ऐसे लगता है कि ये चने की है ही नहीं, बिल्कुल मावे से हमने बनाई है। बिना गैस जलाए, बिना घी, बिना चाशनी, बिना मावे के हमने दोस्तों इसको बनाया, लेकिन फिर भी इसका स्वाद ना बिल्कुल मावे जैसा लग रहा है। दोस्तों, मैं आपको फिर से एक पीस तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका टेक्स्चर देखिए, बहुत ही बढ़िया, एकदम खस्ता, एकदम दानेदार हमारी ये बर्फ़ी बनी है। और दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती कि सच में बिल्कुल मावे जैसी लगती है। तो हमने यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है। अब इसमें हम एक कप भुने हुए चने डाल देंगे, मतलब रोस्टेड चने। तो हमने यहाँ पर एक कप लिया है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप जितने हमने काजू ले लिए हैं। तो हमने यहाँ पर ये काजू, दोस्तों अगर आप काजू नहीं डालना चाहते हैं तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने डाला है दोस्तों, क्योंकि मैं ये बर्फ़ी बच्चों के लिए बना रही हूँ। बच्चों को हमारे ये वाली बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो हमने यहाँ पर भर कर काजू डाला है। दोस्तों, काजू से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आपको मावे जैसा टेक्सचर, मावे जैसा अगर स्वाद चाहिए दोस्तों, तो काजू जरूर डालना। काजू डालने से बहुत ज़्यादा इसका स्वाद बढ़ जाता है। दोस्तों, काजू तो अच्छा होता है, अगर हम बच्चों के बच्चे अगर हमारी कोई भी चीज़ खाते हैं तो बच्चों को इस तरह से खिलाना चाहिए, हेल्दी चीज़ें होती हैं। और हमने इसमें सारी चीज़ें जो भी डाली हैं, बहुत ही अच्छी हेल्दी चीज़ डाली है, बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली कि जो नुकसान करे। चने भी हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, काजू भी हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, बड़े वाले जार में हमारे चने जो है पीस नहीं रहे थे, तो हमने यहाँ पर छोटे वाले जार में दो भाग में मैं पीसूँगी। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लेना है, क्योंकि इसमें काजू डले हैं तो मैं इसको छानूंगी नहीं। इस तरह से हिलाते हुए ना 2-3 बार पीस लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फाइन सा पाउडर आपका बन जाएगा। जैसे मैं कर रही हूँ, इसी तरह से आप भी करना तो बिल्कुल फाइन सा पाउडर आपका बन जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया हमारा फाइन सा पाउडर बन चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया फाइन सा बना है। तो चलिए दोस्तों, बचा हुआ हम उसको भी पीस लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए, तो अब इसको भी हम फटाफट पीस लेंगे। एक बार हम चलाएंगे दोस्तों, उसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे। दोस्तों, इलायची पाउडर का जो फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम इसको इलायची पाउडर के साथ ही इसको बढ़िया से फिर से फाइन सा पाउडर बना देना है, उसी तरह से जैसे हमने पहले वाला बनाया। देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया से पाउडर बना लिया मैंने। उसी बाउल में इसको पलट लिया है। तो अब दोस्तों, हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया, हाथों से टच करेंगे ना तो बिल्कुल फाइन सा लगेगा। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है। इसमें हम 4 चम्मच मलाई ले लेंगे। दोस्तों, अगर हम कप से नापते हैं तो ये 1/4 कप जितनी हमारी मलाई है। तो अब इसको, मलाई को हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम 1/3 कप सूखा पाउडर डाल देंगे। अगर आप यहाँ पर खांड वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। शुगर पाउडर डालकर दोस्तों इस तरह से इसको बढ़िया से फैट लेंगे मलाई के साथ ही। ये देखिए, तो इसको बढ़िया से हम फैट लेंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से हमारी मलाई फिट गई है। दोस्तों, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो कोई क्रीम वगैरह है तो आप उससे भी बना सकते हैं। नहीं तो आप जो है, अगर मलाई नहीं है तो आप दूध से भी इसको बना सकते हैं। डायरेक्ट सत्तू में, जो हमने सत्तू बनाकर तैयार किया ना, इसमें सूखा पाउडर मिला दीजिए और इसको थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच, 1-1 चम्मच दूध डालकर इस गूंथ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हमने यहाँ पर ये पाउडर डाल लिया, जो हमने पाउडर बनाया था वो डाल लिया है। उसी के साथ हमने यहाँ पर 1/3 कप ही मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल लिया। दोस्तों, अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो अभी मैं हाथों से इसको नहीं मिलाऊंगी, इसी तरह से विस्कर से ही, अगर आप चम्मच से मिला रहे हैं तो चम्मच से ही मिलाइए। ये देखिए, हल्के हाथों से मिलाना है, बढ़िया सा भुरभुरा सा पाउडर हमें बना लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हो जाना चाहिए। तो ये देखिए, हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। तो अभी हमारा ये जो सत्तू है, थोड़ा सा ना ड्राई ड्राई सा लग रहा है। दोस्तों, इसको बढ़िया से मिला देना है। देखिए, मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से दिखा रही हूँ, ताकि अगर आप लोग रेसिपी बना रहे तो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो अब हमने सारी चीज़ें इसमें मिला ली है। अब हम इसको मुट्ठी से बांध कर देखेंगे दोस्तों कि कितना भी ये ड्राई लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, अभी हमें थोड़ा थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। तो इसमें हम 2-3 चम्मच दूध डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये हमने 1 चम्मच डाल लिया, 2 चम्मच डाल लिया है,
पहले हम इसको मिलाकर देख लेते हैं। दोस्तों इसको ना हमें बिल्कुल टाइट सा डो बनाना है, बिल्कुल इसको मिक्सर को ना गीला नहीं करना है, तो आप ना चम्मच से ही दूध डालना, इस तरह से मिक्स करना है। ये देखिए दोस्तों जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल हाथों से ना इसको अच्छे से, जैसे हम मोयन नहीं लगाते हैं उसी तरह से दूध डालकर आपको मोयन की तरह इसको करना है। दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेस मतलब ज़्यादा है, लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो सच में बहुत ही बढ़िया आपकी मिठाई बर्फ़ी बनेगी। एकदम मैंने कहा ना कि बिल्कुल मावे जैसा बनेगा, तो सच में मावे जैसा ही बन रहा है। तो अभी मुझे हल्का सा ड्राई लग रहा है, ये देखिए बन तो रहा है डो, लेकिन हल्का सा, तो मैं इसमें सिर्फ एक चम्मच दूध और डाल दूँगी। तो ये देखिए दोस्तों मैंने भर कर नहीं डाला, हल्का सा खाली था, घर का जो नॉर्मल चम्मच होता है वही चम्मच लेना है। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया सा हमारा डो बन रहा है, लेकिन मैं इसका डो नहीं बनाऊंगी, तो इसको मैं ऐसे अभी रख दूंगी। ये देखिए तो अभी दोस्तों मैं इसको साइड में रखूंगी, एक मोल्ड ले लूंगी इसको सेट करने के लिए। तो मेरे यहाँ पर दो मोल्ड हैं, तो मैं यहाँ प्लास्टिक वाले मोल्ड में जमाऊंगी। प्लास्टिक वाले मोल्ड में क्या होता है ना, अच्छे से बर्फी जो होती है ना निकल जाती है। तो पहले मैंने यहाँ पर लगा दिया है घी। दोस्तों इस तरह से आपको घी लगा देना है। अब हम इस पर डाल देंगे बटर पेपर, अच्छे से बिछा देंगे, इसको बढ़िया से सेट कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा बटर पेपर सेट हो गया। अब हम अपना मिक्सर देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अब हम मिक्सर को ना क्या करेंगे, मोल्ड में ऐसे ही डालेंगे, हम इसको बिल्कुल डो की तरह नहीं बनाएंगे। तो देखना मैं इस तरह से हाथों से ही डालना है दोस्तों, इस तरह से हाथों से उंगलियों से ही अच्छे से ना दबाते जाएं, थोड़ा तो एकदम से ना डालें, थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरह से दबाते चले जाएं दोस्तों, तो बढ़िया से आपकी बर्फी सेट हो जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल लड्डू की तरह बन रहा है। अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो लड्डू बना दीजिए, मैं यहाँ पर बर्फी बना रही हूँ। तो दोस्तों मिक्सर को थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ और अच्छे से हाथों से ना दबाते जाएँ, अच्छे से दबाते हुए डालेंगे ना इसमें, तो बढ़िया सा एक बर्फ़ी बहुत अच्छे से आपकी बनकर निकलेगी। तो ये देखिए आप लोग देख रहे हैं, बढ़िया से इसको दबा दीजिए, अच्छे से थोड़ा सा ताकत लगा कर दबा दीजिए, तभी आपकी बर्फ़ी बढ़िया बनेगी। बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनती है, बहुत बढ़िया से इसमें सेट भी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर हाथों से अच्छे से दबा कर ऊपर से मैंने चम्मच से बढ़िया से चिकना कर देना है। ये देखिए अब चम्मच से भी बढ़िया से चिकना हो गया। अब हम इसको रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में। दोस्तों थोड़ा देर तक रखते हैं ना तो बर्फ़ी हमारी बहुत ही अच्छे से सेट होती है। तो ये देखिए दोस्तों हमने फ्रिज से करीब 1.5 घंटे बाद निकाला है, बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। बिल्कुल ये चक्की की तरह बंध गई होगी, मैं अभी आपको निकाल कर दिखाऊंगी। बिल्कुल एक चक्की मतलब बिल्कुल एक बढ़िया सा चक्की जैसा बन जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम फटाफट चॉपिंग बोर्ड में निकाल लेते हैं, तभी देखना दोस्तों सच में ये बहुत ही अच्छी बन जाती है। ये देखिए निकालने में भी हल्का सा मैंने प्रेस किया, निकल गई। तो ये देखिए दोस्तों सच में मैंने बोला था बिल्कुल चक्की जैसी बनी है। तो ये देखिए सच में आप लोग देखिए, बिल्कुल मैंने इसमें कोई गैस वैस नहीं जलाया, ऐसा भी नहीं कि मैंने इसको मतलब कुछ किया बिना गैस जलाए। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया हमारी चक्की बनकर निकल गई, बहुत ही बढ़िया से हमारी ये बर्फी सेट हो गई है। तो दोस्तों थोड़ा लेट तक रखेंगे ना फ्रिज में, 1 से 1.5 घंटे के लिए ज़रूर रखें, इससे ना बर्फ़ी आपकी ना बिल्कुल उसी में सेट होकर हार्ड हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों अब हमने यहाँ पर पीस काट लेने हैं इसके, काटने में देखिए दोस्तों बिल्कुल गीली गीली आपको नहीं बनाना है, इसकी ना बर्फ़ी जो होती है ना ड्राई बनती है, तभी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीस काट लिए हैं बर्फ़ी के जैसे। अब हम इसको एक प्लेट में रख लेंगे। दोस्तों सच में ये बर्फ़ी का टेक्सचर बिल्कुल मावे जैसा होता है, आप एक बार इसी तरह से बनाएँ जैसे मैंने जितनी चीज़ें डाली है उसी क्वान्टिटी में उसी तरह से बनाएँगे, तो सच में बिल्कुल मावे जैसी आपकी भी बर्फ़ी बनेगी। मैं बिल्कुल आपको मतलब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल देखते ही बनाने लगो, बट अगर आप बनाओगे बिल्कुल उसी तरीके से बनाओगे तो सच में आप अपनी तारीफ खुद करने लगोगे कि अरे ये तो सच में कितनी बढ़िया मिठाई बनी है। तो ये देखिए दोस्तों इसका टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल दानेदार हमारी बर्फी बनी है। मैं आपको एक पीस और तोड़कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों इसका टेक्सचर सच में बिल्कुल दानेदार बर्फी बनी है। मैं आपको एक पीस थोड़ा सा ना तोड़कर इस तरह से दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बिखरी बिखरी बिल्कुल दाने दाने इसके अलग हो गए। सच में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी है, बिना गैस जलाए, बिना ज़्यादा झंझट के, और दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें भी नहीं लगी। तो दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने रिश्तेदारों में भी ये वीडियो शेयर करें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों।